जागरूक जनता पार्टी ने दीपक कुमार शर्मा जी को जहानाबाद लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। लोकसभा चुनाव का अब बिगुल बज चुका है और लगातार लोकसभा का चुनाव अब नजदीक आने के बाद हर एक पार्टी के नेता अपने अपने नेताओं को उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी दरमियान जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे के द्वारा अरवल में एक कार्यक्रम किया गया, जिसके आधार पर और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के अलावे आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, जिसको लेकर जागरूक जनता पार्टी के तरफ से जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से दीपक कुमार शर्मा को क्षेत्र में उतारा गया है, ताकि लोगों को जिस तरीके से बिना किसी पद के इन्होंने अपने क्षेत्रों में कार्य करने का काम किया है और कई लड़कियों के शादी विवाह या शिक्षा संस्थान से जुड़ी कोई भी समस्या हो या किसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो के अलावे कई प्रकार की समस्याओं में इन्होंने बढ़ चढ़कर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में भागीदारी निभाने का काम किया गया, जिन्हें अब बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से दी गई है। और सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे और दीपक शर्मा के द्वारा क्या कुछ बताया गया। जागरूक जनता पार्टी ने दीपक कुमार को और दीपक कुमार शर्मा जी को जहानाबाद लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारी, जैसे आपको पता होगा, जागरूक जनता पार्टी आर्थिक आज़ादी आंदोलन करती है, भूखमरी भीखमंगी को समाप्त करने के लिए, फ्री दवाई फ्री पढ़ाई की बात करती है, बाढ़ मुक्त बिहार, भयमुक्त बिहार, संसाधन युक्त बिहार, समान सुविधा सबको मिले, संसाधन मिले और सुरक्षा मिले और न्याय मिले, इसके लिए हम लोग काम करते हैं और जागरूक जनता पार्टी इसकी आवाज़ उठाती है। ये जहानाबाद की धरती आंदोलनकारियों का धरती रहा है। यहाँ गरीबों, ये जो आज की स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो राजनीति की व्यवस्था है, वो बदल चुकी है। जाति धर्म संप्रदाय में जनता को बांटा जा रहा है। हम लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानव और मानवता के विकास के लिए आवाज़ उठाते हैं। और जागरूक जनता पार्टी अगर यहाँ से लोकसभा चुनाव जीतती है तो वोटरशिप के लिए आवाज़ देगी, वोटर पेंशन लागू कराने की मांग करेगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो 72 घंटे में हम वोटर पेंशन लागू करेंगे, प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह 10,000 रुपया महीना। समाप्त होगी बेरोजगारी, समाप्त होगा क्राइम और करप्शन, रुकेगा बुजुर्गों का सम्मान, बढ़ेगा संसाधन और सुविधा के माध्यम से हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, युवाओं को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। बिहार बाढ़ से ग्रसित है, लोग चुनाव पार्टी के माध्यम से, बड़ी बड़ी पार्टियों के माध्यम से जो अभी सरकार में है, सत्ता में है, चुनाव जीत करके जाते हैं उनके बैनर के तले आकर के, लेकिन जब चुनाव जीत के जाते हैं तो अपनी बात को जो है कह नहीं पाते हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपना विकास और अपनी कुर्सी में लिपट के रह जाते हैं। जनता ठगी ठगी सी महसूस करती है, वह जाति के नाम पर जो है वोट दे देती है, धर्म के नाम पर वोट दे देती है, नेता इधर से उधर पलटी मार देता है। तो ये सभी जो समस्याएं हैं उसकी समाधान हम लोग करेंगे और जनता के विकास के लिए हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। और हमारी अगर यहाँ से सरकार बनती है, यहाँ से हमारा कैंडिडेट चुनाव जीत करके जाता है, तो सदैव जनता कभी भी ठगी ठगी महसूस नहीं करेगी। कैंडिडेट जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी दीपक कुमार हैं, चुनाव जीतते हैं या जागरूक जनता पार्टी कहीं से भी चुनाव जीतती है, तो हम सदैव जनता को सत्ता के साथ रखेंगे, क्योंकि जब सत्ता के साथ जनता को रखेंगे तो जनता का विकास होगा। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ जागरूक जनता पार्टी इस जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में दीपक कुमार उर्फ दीपक शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अब जनता को ठगाने की जरूरत नहीं है, जनता को नेताओं को अब ठगने की जरूरत है। जो लोग चुनाव जीत करके एक बार जाते हैं तो उनसे भेंट करना भगवान से भेंट करने की बराबर है, जीतने के बाद भी उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना दीपक कुमार शर्मा ने इस क्षेत्र के जनता के साथ काम किया है। इसलिए इन पर विश्वास करिए, युवा है और यह बदलेंगे नहीं, ये कभी भी नेता बन के नहीं रहेंगे, इनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं होगी, ये बेटा बन के रहेंगे और आपका साथ निभाएंगे और जीवन भर साथ निभाएंगे। आपको विकसित करने का इन्होंने प्रण लिया है और जागरूक जनता पार्टी, यह बात इनको बार बार मैं दिलाते रहूंगा, पूरे जीवन दिलाते रहूंगा कि आपने जो जनता के साथ वादा किया है उस वादा को आप निभाइए। अभी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी,
चूंकि किसके साथ गठबंधन करें, गठबंधन करने के बाद भी विचारधाराएं अपनी नहीं रहती है, और बिहार में जो लोग गठबंधन करके बाद चुनाव लड़ते हैं जीत तो जाते हैं, लेकिन देख रहे हैं ना माहौल, पल्ला तुरंत इधर से उधर हो जाता है, जनता और कार्यकर्ता दोनों ठगे ठगे महसूस करते हैं अपने आप को। ये मौका हम नहीं देंगे। हम बिहार में अगर जितने सीट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ की जनता सदैव सत्ता में बनी रहेगी और सिर्फ बिहार के विकास का बात। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार है? प्रयास तो हमारा 40 सीट पर है, अथक प्रयास कर रहे हैं 40 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से हम 10 सीट पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें एक सीट जहानाबाद। सभी सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर लिया सर आपने? चल रहा है, ऐसे नहीं फाइनल करते, जैसे कि यहाँ दीपक कुमार शर्मा जी को मैंने फाइनल किया है, इसलिए फाइनल किया है दीपक कुमार शर्मा जी ने कि यह बिना चुनाव जीते हुए, बिना किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए यहाँ लाखों लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया, कितने बेटियों का शादी करवाया, कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया, कितने लोगों को कितने तरीके से, कितने माध्यम से लाभ दिया, बहुत सारी व्यवस्था है। यह व्यक्ति अगर चुनाव जीत करके जाता है तो आपका विकास निश्चित होगा। सर उद्देश्य है कि अभी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि अभी भी 2024 में भी देखते हैं कि आर्थिक लोग से बहुत लोग कमजोर हैं। हमारा एक संगठन है राधा स्वामी संगठन, उसके माध्यम से तो हम बहुत लगभग लाखों लोगों को लाभ दे चुके हैं। किसी भी घर में बच्ची की शादी है, किसी को कोई वाहन लेना है, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को घर की ज़रूरत है, बिना सरकार में रहे हमने जब इतना काम किया तो क्यों ना अब जो है एक पद पे आकर के और भी लोगों को लाभ दिया जाए। और क्या जीतने के बाद सर, क्या जीतने के बाद उद्देश्य है सर कि अभी भी बहुत लोग पिछड़े हुए हैं। अभी भी हम सड़क की बात करें तो सड़क रोड पे तो बन चुका है, मतलब मेन लाइन में, अभी भी ग्रामीण में वही हाल है जहाँ आपकी गाड़ियाँ नहीं जा सकेंगी। पानी का भी दिक्कत है, बिजली खैर अभी ठीक है लेकिन उसमें भी सुधार होनी चाहिए। तो तमाम बहुत सारी जो है समस्याएं हैं जो क्षेत्र में मिलती है, उसको आगे हम लोग करेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जागरूक जनता पार्टी से हम लोग अभी चुनाव। किसी पार्टी से अलायंस है इस पार्टी? नहीं, इसके हम सदस्य हैं, इसी से हम चुनाव लड़ेंगे।